एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो मस्क ने ट्विटर खरीदते ही सीईओ पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर नेड सेगल और कुछ दूसरे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि पराग अग्रवाल के ट्विटर बायो में अभी भी सीईओ ट्विटर लिखा हुआ है। एलन मस्क के ट्विटर खरीदते ही पराग अग्रवाल की विदाई का कयास पहले से लगाए जा रहे थे। दोनों के बीच कई बार पब्लिक फोरम पर बहस हो चुकी थी। ट्विटर और मस्क की डील $44 अरब में हुई है। पिछली रिपोर्ट्स की माने तो डील के बाद अगर पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला जाता है तो उन्हें अच्छी खासी रकम अदा की जाएगी। इसकी चर्चा उस वक्त से हो रही है जब मस्क के ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। अब आपको बताते हैं कि अगर पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला जाता है तो उन्हें कितनी रकम अदा की जाएगी। रिसर्च फर्म एक्विलर की पिछली रिपोर्ट्स की माने तो सीईओ पराग अग्रवाल को अगर ट्विटर डील के 12 महीने के अंदर निकाला जाता है तो उन्हें $4.2 करोड़ यानी लगभग 345 करोड़ रुपए मिलेंगे। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो मस्क पुराने ऑफर पर ही डील करने के लिए तैयार हो गए और अब डील हो चुकी है। दोस्तों, क्या पराग अग्रवाल को ट्विटर से निकालना सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।